नमस्कार दोस्तों, और आज हम आपको यहाँ पर हॉर्स दिखाने वाले हैं 5530 डॉटस। डॉटस का मतलब होता है सिग्ना, 5530 का मतलब 55 टन की GBW और 300 HP का क्यूमिंस का यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, 6 सिलेंडर वाला। अभी टाटा ने यहाँ पर 6 टेरा में निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पर डीजल टैंक भी अभी बड़ा कर दिया, पहले छोटा था, अभी 365 लीटर की कैपेसिटी का साथ में आ रहा है। अभी जोस्ट का यहाँ पर कपलिंग आ रहा है, बहुत ही हैवी कपलिंग है जोस्ट की, कोई तरह की कंप्लेंट नहीं है। पीछे यहाँ पर देख सकते हो, और चेसिस की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 8 mm रखकर, प्लस उसमें यहाँ पर 5 mm की अलग से यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाई हुई है, डबल चेसिस की हुई है। ऐसे नहीं है पीछे तक की हुई है, सेंटर तक भी है, वो बहुत बढ़िया बात है, डबल कपलिंग कर दी है। बाकी यहाँ पर अगर आपने बैटरीज वगैरह यहाँ पर रखने, उसके लिए भी ऊपर स्पेस यहाँ पर खाली कर दिया है, बाद में आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। यहाँ पर पीछे एयर क्लीनर का जो माउथ है, क्या होता है कई बार ये जो गाड़ियाँ हैं वो राजस्थान वगैरह में ज़्यादा चलती है, वहाँ पत्थर की माइनिंग है, जहाँ उड़ीसा में ज़्यादातर बहुत चल रहे क्लीनर, तो वहाँ पे धूल मिट्टी एयर क्लीनर उठा लेता, तो इसी वजह से यहाँ पर अपसाइड पर दे दिया है, ताकि एयर क्लीनर की जो पीछन है वो सही जगह रहे और गाड़ी एयरटेक अच्छी तरह से ले पाए, कोई यहाँ पर गाड़ी को नुकसान ना हो पाए। और जो टायर साइज आ रहा है वो 295/90/20 के रेडियल ट्यूब साइज यहाँ पर आपको साथ मिल जाएंगे। 65 लीटर की कैपेसिटी का आपको यहाँ पर DF टैंक मिल जाता है। और अगर गाड़ी के यहाँ पर प्राइस टैग की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली है एक गाड़ी। घोड़ा अगर बात करें तो यहाँ पर 35 लाख की यहाँ पर गाड़ी आपको यहाँ पर अकेली पड़ रही है, बिना पीछे बॉडी। अगर टाटा की आप बॉडी लेते तो नियर अबाउट 16-17 लाख रुपये की गाड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना साथ की साथ। और जो कैबिन का इंटीरियर है सिग्ना कैबिन की, वो बहुत ज़बरदस्त है, बैकिश ब्राउन कलर का यहाँ पर बनाया हुआ, 3 स्टेप की यहाँ पर फुट स्टेप एंट्री दी हुई है, यहाँ पर एयर इंटेक है, पूरा टोटल AC लग्जरी AC कैबिन जिसको हम बोल देते हैं। टच स्क्रीन भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो टच स्क्रीन यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर देखो AC कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाते हैं, और आगे यहाँ पर मीटर प्लेट आ गई नया, यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर सामान रखने के लिए ऑप्शन दे दिए, और यहाँ पर साइड पर ग्लोव बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर लाइट टच के साथ ही है, जैसे आजकल कारों में आता है टच कीजिए, कोई बटन नहीं है, और यहाँ पर छोटे ग्लोव बॉक्सेस हैं, आगे भी सामान। सबसे बढ़िया बात जो AC का जो इंजन ऊपर होता है ना, तो यहाँ पर जो इंसुलेशन की है काफ़ी हैवी इंसुलेशन की हुई है। ये आपको गियर बॉक्स की बात कर रहा था, टोटल 8 गियर यहाँ पर, क्रॉलर गियर भी साथ में यहाँ पर लो गियर भी देते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही पावरफुल है, टोटल एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, और पीछे यहाँ पर स्लीपर बर्थ काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।